न्यूज क्लिक में आपको स्वागत कर रहा हूं। आज मेरा साथ वकील साहब है, उनका नाम है अशोक अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल। और अग्रवाल जी इससे पहले डायरेक्टर जनरल, निर्देशक थे एक संस्था का, उसका नाम था टीमा, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यानी कि दूरभाष क्षेत्र में जो अलग अलग मशीन है, अलग अलग जो तैयार करते हैं कंपनियों का एक संस्था था टीमा, उनके डीजी डायरेक्टर जनरल थे। अशोक जी धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल ये है, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने 59 चीन से एप्लीकेशन, इसमें सबसे जाने माने हैं टिकटॉक, हेलो, वी चैट, ये सारे एप्लीकेशन को एकदम बंद कर दिया। बोला भारतवर्ष में कोई इसकी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये एक राष्ट्र का, राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद है, नेशनल सॉवरेनिटी का इश्यू है। तो इसका क्या असर पड़ेगा भारतवर्ष में, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में, इस विषय के ऊपर आप पहले कुछ कहिए। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ कहूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं टीमा के साथ, दैट इज टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ 2011 से 2013 मिड तक एसोसिएटेड था। टीमा जो थी वाज डूइंग एडवोकेसी फॉर मेक इन इंडिया, एंड आवर मेन मिशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज के ये जो टेलीकॉम सेक्टर है इसमें फॉरेन कंपनीज का, मोर पर्टिकुलरली हुआई, ZTE और अदर चाइनीज कंपनीज का नेटवर्क इक्विपमेंट में होना, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग स्पेस में होना, इन हैंडसेट्स के अंदर उनका होना, क्योंकि 99% हैंडसेट्स वर इंपोर्टेड एज इट इज फ्रॉम चाइना, एक्सेप्ट नोकिया वाज डूइंग सम वर्क देयर एट दैट टाइम। तो ये देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए डेंजरस है। ये बात जो थी, इट वॉज इन कंसोनेंस विद द टेलीकॉम पॉलिसी ऑफ 1999, 2008, 2009, 2000 TRAI रिकमेंडेशन में, हर पॉलिसी में एक ही बात कही गई, इंडिया में टेली डेंसिटी तो बहुत है मगर क्या इंडिया इज ए, देर इज एन इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर? आंसर वॉज नो। देर वॉज नो मैन्युफैक्चरिंग इन एनी सेक्टर going on at that time, and government after government repeatedly fails to take steps in that direction. Though it was professed, but nothing much happened. Except in 2013, the policy came for preferential procurement in the public sector on the telecom equipments. मैं और कुछ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हुआवे और ZTE का नाम किया। आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, विश्व में जो अलग अलग टेलीकॉम इक्विपमेंट इनके सप्लायर में एकदम ऊपर में हैं ये दो कंपनी। इनका आज अमेरिका के साथ भी एक जबरदस्त एक झगड़ा चल रहा है। और हमारे देश में भारत सरकार ने, हमारे जो सरकारी संस्था है BSNL MTNL, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इनको आदेश दिया कि आप Huawei और ZTE से आप कुछ इक्विपमेंट मत खरीदिए, कुछ आयात मत खरीदिए। तो ये भी एक और चीज में जोड़ना चाहता हूं। तो आप पूरा जो सवाल मैंने किया था चाइनीज ऐप उसका भी जवाब दे रहा हूं, और Huawei ZTE का इक्विपमेंट के ऊपर और कहिए आप। देखिए इवन सर, आज की बात नहीं, 2011-12 में भी ऑस्ट्रेलिया, US, अदर यूरोपियन कंट्रीज, वो सब ऑब्जेक्ट करते थे Huawei और ZTE का नेटवर्क इक्विपमेंट में होने से। हम भी लोग इस बात के लिए एडवोकेसी करते थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, प्राइम मिनिस्टर का जो प्लानिंग कमीशन का नंबर वन नंबर टू थे उस टाइम पर, और IT मिनिस्टर से, और हर टेलीकॉम फोरम में ये बात हम करते थे, प्रेस में, मीडिया में, ऑल कॉन्फ्रेंसेस इंक्लूडिंग विद IT मिनिस्टर, बट कुछ हुआ नहीं। बट क्वेश्चन इज, वो BSNL ने या एयरटेल के नेटवर्क पे या वोडाफोन के नेटवर्क पे जो चाइनीज इक्विपमेंट चले गए, वो चले गए, इसका ये मतलब नहीं कि नेशनल थ्रेट और जो सिक्योरिटी था वो खत्म हो गया, वो तो है। अब ये जो स्टेप्स लिए हैं, ये जो एप्लीकेशन 59
को जो बैन किया है चाइनीज एप्लीकेशन, वेदर इट इज टिकटॉक और इट इज हेलो और इट इज वी सेलिब्रेट और लाइकी और क्लब फैक्ट्री। देखिए साहब, ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं, इस देश के 100 करोड़ जनता का जो डेटा है, डेफिनेटली इट गोज इनटू द सर्वर्स ऑफ चाइना। सो आज ये किया है, मैं तो कहता हूं कि साहब ये 2011 में भी कर देना चाहिए था, 12 में भी कर देना चाहिए था, 13 में नहीं किया। आज सिचुएशन क्या है, आज क्योंकि जो पुरानी पॉलिसीज थी उसमें तो हमने कुछ किया नहीं। मोदी जी जब 2014 में आई मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेक इन इंडिया को अडॉप्ट किया। और जब मेक इन इंडिया जो हमारा एक एडवोकेसी का एरिया था उसको इन्होंने अडॉप्ट किया, और उसको अडॉप्ट करने के बाद इन्होंने जो है कुछ स्टेप्स लिए। पहले आज कोरोना का एरा आया, वर्ल्ड में सेंटीमेंट चाइना के खिलाफ हो गया, और इस सेंटीमेंट्स को खिलाफ होने के बाद तो वो जो एजेंडा था कि भाई चाइना से डिस्टेंस करो, बिकॉज चाइना से डिस्टेंस अगर आप करोगे तो इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ दिस नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। अग्रवाल जी टीमा ठीक है, बहुत साल से कह रहे हैं मेक इन इंडिया, आज मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत चाहिए। आप कह रहे कि आप साल भर ये बता रहे थे, मगर आज ये लद्दाख में हमारे सेना उनके सेना में एक संघर्ष हुआ, उसके बाद सरकार ने ये 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया, BSNL MTNL को बोला कि तुम ZTE और हुआवाई से कुछ खरीदो, कुछ आयात मत करो। इससे पहले जो हमने निवेश के बात हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेश से जो निवेश आ रहे, आपने कहा, आपने चीन का नाम नहीं किया, मगर साथ साथ आप कहा कि इन सारे निवेश के ऊपर हम कोई पाबंदी लगाएंगे, ऑटोमेटिक रूट में नहीं जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक में। तो मेरा कहना है कि और भी लोग आज कुछ कह, हमारे जो ऊर्जा मंत्री है उन्होंने कहा कि हम चीन से जो ऊर्जा जो विद्युत बिजली उत्पादन करने के लिए भी कोई इक्विपमेंट हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीनी ने मैलवेयर्स हो सकते हैं, मैलवेयर कोई जासूसी के लिए करेंगे। तो आज तो माहौल एक है, आप लोग कुछ सालों से कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर करा, मेक इन इंडिया करना, तो आज तो स्थिति एकदम बदल गया, और तो इसके क्या असर पड़ेगा भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर, यही दोबारा मैं खोल फिर के वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ साहब। अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें कि पहली बात तो हम ये देखें कि जब से इकोनॉमी वॉज ओपनड अप आफ्टर मिस्टर नारासिम्हन राव केम इन द गवर्नमेंट इन 90s, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड इन द फर्स्ट बजट they opened up the Indian economy for technology, for investments, for procurement and to become a part of the world supply chain. ये खुला, इसके कुछ benefits हुए, इसके कुछ demerits हुए। Demerits क्या हुए, जैसे आपने power sector कहा, अभी power sector में companies like BHEL जो एक जमाने में नवरत्ना के नाम से जानी जाती थी, I was also on the board of BHEL in the year 2009-10 or so, बट आज वो BHEL और आज की BHEL दे हैव अंडरगॉन अ सी ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर जस्ट रुइन। तो क्वेश्चन तो बेसिक ये है कि क्या ये जो फॉरेन कंपनीज का इस तरीके से आना और इंडियन इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, इंडियन इकोसिस्टम व्हेन आई से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करना बाय डंपिंग द चीप मटेरियल is something to my mind is uncalled for. Yes, but your question that how can it happen all of a sudden? What is to be done by the nation to build up that ecosystem into this world so that we become an important player into this, the whole world, into the whole market? अशोक जी, 2 साल पहले भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी बनाया, आज वो पॉलिसी में और कुछ, वो सरकार कह रहे जल्दी में इसका लागू करो। मेरा कहना है कि आपने ये कंपनियों से कहेंगे कि ठीक है इनका इक्विपमेंट मत लो, आयात मत करो,
तो आप कहां से लाएंगे? आप और कहीं देश से निवेश करेंगे, आपका खर्चा बढ़ जाएगा, और जो कंपनी ये सारे इक्विपमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं वो कंपनी बंद हो जाएगा। वैसे बेरोजगारी का बहुत बड़ा एक समस्या है, बेरोजगारी बढ़ जाएगा, ये भी एक असर पड़ सकते हैं ना भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था के ऊपर। ये जो आपका सवाल है कि ऑल ऑफ ए सडन ब्रेक, ऑल ऑफ ए सडन ब्रेक को मैं शायद दूसरे तरीके से कहूंगा, और मैं चार पांच चीजें हैं जिसपे इस देश का इंपोर्ट जो है वो सब्सटेंशियल है। गोल्ड था, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी सेक्टर और टेलीकॉम। हियर द इंपोर्ट बिल्स आर ह्यूज। गोल्ड पे 5% का एक बार कस्टम लगाया था अरुण जेटली साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, शायद 15-16 में वो हटा लिया गया क्योंकि ज्वेलर्स यू नो एजिटेटेड अगेंस्ट दैट। ऑयल को हम बात नहीं करते। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, आईसीटी की या टेलीकॉम की, तो ईयर आफ्टर ईयर इट इज सेड कि $500 बिलियन का इंपोर्ट हो जाएगा 2024-25 तक। ये देश जो है ये कंप्लीटली फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंट है। आफ्टर ऑल इस इंडिया को अगर हम आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं तो वो उस इंपोर्ट से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? वो कौन सी पॉलिसीज आनी चाहिए? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी ऑफ 2019, इसमें भी ये बात कही गई कि भाई इंडिया को एक हब बनाओ मैन्युफैक्चरिंग का, यहाँ एक इकोसिस्टम डेवलप करो। इकोसिस्टम होना चाहिए ऐसा कि हम वर्ल्ड के अंदर जो है सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन के पार्ट बन जाएं। हमने कुछ नहीं किया 2008 में, 2009 में, 2011 में, 2019 में हमने कुछ नहीं किया। ये पॉलिसियां रही, कहने के लिए बड़ी अच्छी थी, सुनने के लिए बड़ी अच्छी थी, टीवी के लिए, डिस्कशंस के लिए बड़ी अच्छी थी, मगर जो भी हम काम करते हैं, अब सवाल ये आता है कि हम इसका इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सडनली आपने ब्रेक लगा दिया, बंद कर दिया, इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए मोदी जी की सरकार ने काम किया, 15-16 के अंदर बजट में लाए। टेलीकॉम की मैं बात करता हूँ, मैं टेलीकॉम से जुड़ा हूँ, मुझे थोड़ा सा उसके डेटास का आइडिया ज्यादा है। तो टेलीकॉम सेक्टर में 100% मोबाइल फोन्स जो थे, इस देश के अंदर 20 करोड़ मोबाइल फोन इंपोर्ट होते थे 15-16, वो सारे के सारे इंपोर्ट होके आ जाते थे। उन्होंने क्या किया, डिफरेंशियल कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर, काउंटरवेलिंग कस्टम स्ट्रक्चर बनाया, कहा कि भाई अगर आप पूरा मोबाइल फोन इंपोर्ट करेंगे तो आपको 15%, 12.5% ड्यूटी देना पड़ेगा सीवीडी, और आप अगर इसको कंपोनेंट्स में इंपोर्ट करेंगे तो कंपोनेंट्स में 0% ड्यूटी हो गया। साहब हम जब थे तो टेलीविस्टर, वेस्टर्न टीवी आया करता था, वो सब गायब हो गए। बट एनीवे, आई एम नॉट ऑन टू दैट इशू। तो जब वो काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा तो यहाँ पर जो है 268 मोबाइल यूनिट्स जो है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 19 के हिसाब से इस देश में लगी। मगर हुआ क्या, पीएमपी बनाया गया, फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। उस फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम में क्या था कि भाई पहले साल आप करेंगे, 17 में आया था ये फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, आप पहले चार्जर बनाएंगे, एडाप्टर बनाएंगे, वायर बनाएंगे पहले साल में। दूसरे साल में आप क्या करेंगे, दूसरे साल में आप छोटे छोटे और कंपोनेंट बना लेंगे, आप टेस्टिंग करेंगे। मगर जब उसका तीसरा फेज था, जो क्रूशियल फेज था कि आप स्क्रीन बनाएंगे, आप वाइब्रेटर बनाएंगे, तो हमारे यहाँ की जो ट्रेड एसोसिएशन है इंडिया में, एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग नॉट द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंपोर्टर्स। एक मिनट, दे आर, मैं आपका बात सुन लिया अशोक जी, आप घूम फिर के दोबारा में सवाल उठा रहे, ये 200 से ज्यादा, ये जो 250 यूनिट यूनिट्स है, छोटे लघु उद्योग है, पता नहीं कितने हजारों लोग को नौकरी दे रहे हैं, आप अभी कह रहे हैं कि चीन से आप इक्विपमेंट अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं किया। अगर आप कल कहेंगे कि हम सारे चीन से आयात बंद कर देंगे, हम हुआवे से कुछ नहीं लेंगे, हम ZTE से कुछ नहीं लेंगे, और ये इसका क्या असर पड़ेगा?
मुकेश धीरूभाई अंबानी जो भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति है, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भारतवर्ष में आए थे, वो बोला कि हमारे जियो नेटवर्क में एक भी कंपोनेंट नहीं है जो चीन से है। मेरा कहना ये है, ये जो चीन के खिलाफ जो नीति आए हैं, आप निवेश की नीति कहिए, आयात की नीति कहिए, वाणिज्य की नीति कहिए, ये जो 250 छोटा कारखाना है, पता नहीं कितने हजार लोग काम कर रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा क्या? नहीं बंद होगा, ये बंद नहीं होगा। फर्क सिर्फ मैं तो कहता हूं कि चीन की ही बात नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूं कि जो बाकी की और कंट्रीज है, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, आज सैमसंग है तो कोरियन कंपनी है, यहाँ जो है कम से कम मैन्युफैक्चरिंग बेस उन्होंने कुछ बनाया है, कुछ पैसा लगाया है, बट असेंबली नहीं किया है, सिर्फ असेंबली नहीं किया है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि आज जब तक हम एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट नहीं करेंगे, आई एम नॉट ऑन ए इमीडिएट ब्रेक, कंपोनेंट्स विल कंटिन्यू टू कम फ्रॉम वन कंट्री और द अदर। यू कैन अरेस्ट इट फ्रॉम वन कंट्री बट इट विल कम फ्रॉम अनदर कंट्री, वेदर इट कम्स फ्रॉम वियतनाम, इट कम्स फ्रॉम मलेशिया, इट कम्स फ्रॉम कोरिया, इट कम्स फ्रॉम जापान, क्योंकि हमारे यहाँ तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं। एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि ये चीनी जो चीजें हैं, जो इक्विपमेंट है, जो कंपोनेंट्स है, ये घूम फिर के और कहीं देश से भारतवर्ष में आ जाएंगे, तो हम दिखाएंगे कि हम वियतनाम से इसका आयात कर रहे हैं या हम और कहीं देश से आयात कर रहे हैं, मगर ये जो चीज है वो एक ही जगह से आया, चीन से आएगा, यही क्या? मैं इस चीज से हटके बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो हमको इम्पोर्ट की जरूरत पड़ रही है, आज हिंदुस्तान के अंदर 1995 से टेलीकॉम रिवॉल्यूशन आ गया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उससे पहले अटल बिहारी जी, उसके बाद 2009-2011 TARI, बार बार हम कहते हैं हमको इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब था कि यहाँ पर इंडिया को हमें एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, नहीं बना। आई एम सेइंग व्हाई डोंट वी इंडियंस क्रिएट ए ग्लोबल इको मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हब which is envisaged in the policy after policy, including NEP 2019. That is what I am trying to say. I am therefore saying कि जो global 500 billion की market लोग बोलते हैं, the figures which are mind-boggling, उसका हिस्सा हम कैसे बनेंगे? उसका हिस्सा हम सिर्फ assembly lines को promote करके Oppo को, Vivo को, Xiaomi को, विस्ट्रॉन को, फ्लेक्सट्रॉन को, फ्लेक्सट्रॉनिक्स को इंडिया में इनवाइट करके नहीं बनेंगे। और फॉर दैट मैटर इवन इंडियन कंपनीज जो है, जो इंडियन ओन्ड कंपनीज है, इंडियन कंपनी तो सारी है, दे आर ऑल रजिस्टर्ड हियर, बट जो इंडियन ओनर्स की ओन्ड कंपनी है वो भी सिर्फ माल एक जगह से लाके मेक इन इंडिया लगा के, इससे कोई ग्रोथ होने वाला नहीं है देश का। आई एम ऑन टू दैट। ओके, तो आज हमारा वक्त कम है, मैं आखिरी आपसे सवाल कह रहा हूँ, ये सवाल आप संक्षिप्त में बताइए कि ये जो अभी जो सरकार ने जो जो कार्यक्रम, जो जो कदम उठाया, जो जो कार्यक्रम का घोषणा किया, जो जो नीति में बदलाव लाया, आप कह रहे, सरकार कह रहे आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, मेक इन इंडिया होना चाहिए, हम एक पूरा विश्व में एक ग्लोबल हब होना चाहिए टेलीकॉम इक्विपमेंट में, मगर उस रास्ता बहुत लंबा है, वहां पहुंचने में अभी बहुत समय है और हम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे, ये मैं कह सकता हूँ? अभी तो मैं कहूंगा कि जो हमारी गति है वो स्नेल स्पेस है, मगर इस स्पेस को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये अचीवमेंट हम 2-3 साल में कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस एक छोटी सी बात बताता हूँ क्योंकि समय कम है, आप अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे तो जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वर्ल्ड में 5-6 हैं, वो कोई लार्ज स्केल नहीं है। वो जो 5-6 वर्ल्ड के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 400 बिलियन की मार्केट या 500 बिलियन की मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अगर मुझे इंडिया में लाना है कि वो वियतनाम में ना जाए और मलेशिया में ना जाए, तो मुझे 3 काम करने पड़ेंगे। जो मैं इंसेंटिव असेंबली लाइंस को बांट रहा हूं उससे कुछ नहीं होने वाला, असेंबली बढ़ती रहेगी, 200 रुपए का वैल्यू एडिशन होगा, आई विल बी ऑन द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यू एडिशन। जो अभी हुआ 1 अप्रैल 2020 की एक पॉलिसी आई है, दैट इज कॉल्ड PLI, PLI मीन्स प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, बट प्रोडक्शन लिंक्ड ऑफ व्हाट? ऑफ असेंबली लाइंस, 5 foreign companies, 5 Indian companies, दिस विल नॉट हेल्प। व्हाट विल हेल्प? वो जो 40-50 हजार करोड़ है, मैं उससे क्यों नहीं हब क्रिएट कर देता?
मैं क्यों नहीं वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को इनवाइट करता, कहता हूं मैं तुम्हें 40,000 की तो दूंगा इंसेंटिव, लगाओ यहाँ पे 2,00,000 करोड़ की फैक्ट्री, बनाओ चिपसेट, बनाओ मेमोरी सिस्टम, बनाओ आप प्रोसेसिंग यूनिट्स, 2,00,000 करोड़ में बनती है साहब जो मेरी इंफॉर्मेशन है। तो 40,000 करोड़ तो सरकार दे ही रही है और मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, फ्रेंडली ट्रीटमेंट देना है। एप्पल भी तो चिपसेट बनाता है, उनको क्यों नहीं हम बुला लेते इस काम के लिए, हम देंगे पैसे। चलिए चलिए अशोक जी, समय बताएंगे ये बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय संस्था भारतवर्ष में आएंगे कि नहीं, यहाँ पे कारखाना बनाएंगे कि नहीं, यहाँ हमारे देश के लोगों को आने के लिए हमें आने के लिए उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना पड़ेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। मगर सिर्फ बात एक कहूंगा कि अगर हम असेंबली के लिए, फैब्रिकेशन के लिए अगर सब पैसा बांटेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। देयर आई एम वेरी क्लियर। थैंक यू, आप न्यूज क्लिक को दर्शक में आपका समय दिया, धन्यवाद, और आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक।